अरे बिल्ले के बच्चे, ये तो स्केलेटन वाला भूत है। अरे भागो बिल्ले भागो, वरना हो जाएगी हमारी टक्कर। के आपके बच्चे, इतना ही तुझे डर लग रहा था और तुम्हारे साथ में तो आया। और ये क्या मिलना, यहाँ पर तो ग्रानी निकल गई। ए भाई आओ, ये तो खतरनाक ग्रानी। और ये छोड़ दे ग्रानी, ये छोड़ देना यार। हे भैया, आज हम खेलने वाले ग्रैनी साइलेंट प्ले हाउस रेसिडेंस। और मुन्ने तो ग्रैनी वाली गेम है ना, और मुन्ना फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो मुन्ना, हम कहाँ पे आ गए। अरे ये क्या बल्ला, ये तो उस ग्रानी की तरह ही लगता। ग्रानी ने हमें एक सड़ा हुआ कमरा दिया था, मगर ये तो कमाल का कमरा लग रहा बल्ला। चलो जल्दी जल्दी से सामने वाले दरवाजे को खोल के जाते सीधे ग्रानी के हाउस में। ए भाई और इसे मानना पड़ेगा यार, गेम के ग्राफिक तो कमाल के यार। मुन्ना वो तो मैंने भी देखा, और मगर वो सामने किसकी पड़ सकी मुन्ना। और मुझे तो लगता है कोई भूत है मुन्ना। अरे बिल्ली के बच्चे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा। अरे ये क्या मम्मी, यहाँ पे कोई तो था बल्ला, उसने दरवाजा बंद किया मेरे सामने। अरे जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल के देखो बल्ला, कोई तो इसके अंदर। वो लगता है स्केलेटन का बच्चा था इसके। क्या वो तेरा वह मगा, और यहाँ पे हमारे सिवा कोई भी नहीं है। और चलो दोस्तों, ये वाला दरवाजा खोल जाऊ। और खुल जा सिमचिम, और मेरा दरवाजा तो बंद है। हाँ भैया, ये वाला सामने वाला दरवाजा खोलो यार, इसको भाई एक बार ट्राई करते यार। ए खुल जाओ, है ये भी बंद है और ये भी लॉक है भैया। मुन्ना ऐसे कैसे हो सकता है, और कोई तो दरवाजा खोलेगा ना। और इसे ट्राई करता हूँ, और आबरा का डाबरा, और खुल गया सिम सिम। हे भैया ये दरवाजा तो, अरे यार भैया ये कौन है यार। और मुन्ना यही तो है वो ग्रानी, और जिसने हमारी बैग। ये क्या मुन्ना, अरे बिल्ली के बच्चे, ये तेरे साथ में क्या होगा। अरे जल्दी जल्दी से इसको निकालो। अरे ये क्या बोला। हे भैया शुक्र है यार, हम बच गए। और चुन्नू कहेगा ये तो सिर्फ इंट्रो था, और पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये देखो मुन्ना, वो रहा ग्रानी का प्ले हाउस, और इसके अंदर आज हमें जाना होगा। और ग्रानी ग्रांड पापा की ढकड़ी करनी होगी। अरे क्या तो बात है बल्ला, यानी कि इसके साथ में ग्रांड पापा भी आने वाला है क्या। और ग्रांड पापा नहीं, और स्केलेटन का बच्चा आने वाला है। और चलो दोस्तों, गड्डी से हम बाहर उतर गए, और तुम चले जाओ यहाँ से, और हम जाएंगे सीधे ग्रानी के प्ले हाउस में। अरे बिल्ली, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये क्या मम्मी, डोंट कम हियर, यानी कि बिल्ली हमें अंदर जाने से मना किया हुआ। यहाँ पे अंदर के साइड में बहुत ही खतरा हो सकता है बुआ, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को तो घर पे जाना है। क्या और चुन्नू कहेगा तो हमारे साथ में गया, अगर तुझे इतना डर लग रहा था। और मुन्ना यहाँ से हमें बिजली की कनेक्शन ऑन करनी होगी। वो देखो मुन्ना अंदर किस साइड में बढ़े। वो सामने देखो यार, किसकी गड्डी वहाँ पे टकराई है यार। और मुन्ना वो हमारा ड्राइवर तो नहीं है ना, और जल्दी से जाके देखता हूँ। और पता नहीं मुन्ना ये किसकी गड्डी है, और यहाँ पे किसने ठोकी है मुन्ना। अरे बिल्ली ये तो अभी तक यहाँ पे नहीं थी, फिर अचानक से यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हो गया। मुझे तो कुछ डाल में काला लगता है बुआ, अरे पूरी डाल ही काली लगती है। अरे भागो बिल्ली भागो, हमें ग्रानी के हाउस में नहीं जाना, वरना ग्रानी हमारी चटनी बना देगी। क्यों क्या है बाप, चटनी नहीं बनाएंगी यार, हमें उसकी चटनी बना देंगे। क्यों भैया, मैंने सही बोला ना यार। और मुन्ना खतरों से खेलना तो हमारा काम ही है ना, और टाइम हम हॉरर गेम ही खेलते हैं। और तो फिर डरने वाली क्या बात मुन्ना, और तेरा फौजी भाई है ना साथ में। हे भैया मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है यार, कि इस गेम को भी आप विन कर दोगे यार। अरे बिल्ली के बच्चे, मुझे तुम्हारे भाई पर पूरा भरोसा है, मगर ये तो बहुत ही ज्यादा हॉरर गेम लगती है। अरे ये क्या बोला, ये बिजली की कनेक्शन तो हमने यहाँ से ऑन कर दी, और वो क्या बोला, वहाँ पे भी कोई था झाड़ियों के पीछे। मुझे डर लग रहा है बोला, वो तो स्केलेटन था ना। क्यों स्केलेटन नहीं यार, इसको स्केलेटन बोलते है यार। और चुन्नू कहेगा स्केलेटन बोलते है, और ऊपर से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और ऊपर से बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी है बन्ना। हमें जल्दी जल्दी से घर के अंदर जाना होगा, ग्रानी से मुलाकात करने। ए भाई हाँ, मैं तो कब से अंदर जाने के लिए एक्साइटेड हूँ यार। चलो ना दोस्तों, अंदर जाते यार। ओ नहीं बिल्ले नहीं, मैं ऐसे तेरे साथ में नहीं आने वाला, मुझे उस साड़ियों के पीछे देखना। आखिरकार यहाँ पे मैंने किसी को तो देखा था। क्यों क्या अब ये तेरा वहम होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं था। और चलो जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। ए बाप डरो मत यार, जब होगी तो डर और साथ में ही, तो फिर डरने वाली क्या बात यार, जल्दी से हमारे साथ में चलो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा यार।
अरे ये कौन सा वाला रूम आ गया बल्ला, ये तो लगता है ग्रैनी के हाउस में आ गए। अरे ये तो वही है ना जो हमने इंट्रो में देखा था क्या? क्या ओ बिल्कुल सही बोला बाब। और हमारी फ्लैश लाइट भी हमने ऑन कर दी मोबाइल की, अभी जल्दी से यहाँ पे आगे चलते हैं। और अंदर क्या है? और अंदर तो मेरा बहुत ही सारा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ओ अरे बिल्ले अंधेरा तो होगा ना, अरे इसी वाले दरवाजे के अंदर तो था ना वो स्केलेटन का बच्चा। मुझे तो डर लग रहा है बल्ला, कहीं पे वो स्केलेटन का बच्चा यहाँ पे हमारे सामने ही ना आ जाए क्या? क्या ए बाब, नहीं आएगा स्केलेटन का बच्चा, टेंशन मत लो यार, ये दरवाजा तो बंद है भाई यार, जैसा कि हमने सपने में देखा था यार। और यार मुन्ना मैंने भी सपने में देखा था, और मुझे लगता है ये वाला दरवाजा खुलेगा। और खुल जा सिम सिम, और इसके अंदर तो कोई तो होगा ना मुन्ना। हाँ भैया सपने के अंदर तो इसमें ग्रानी दिखाई दी थी यार, मगर भैया ये तो यहाँ पे हकीकत नहीं है यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं भैया। यार मुन्ना ये बात तो मैंने भी नोटिस की, और मगर मुन्ना मुझे लगता है इस घर में कुछ ना कुछ डाल में काला है। आओ अरे बिल्ले के बच्चे डाल में काला नहीं, मुझे तो लगता है पूरी डाल ही काली काली हो गई है, क्योंकि इस काली काली रातों में उस काली काली ग्रानी का मुंह देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्यों? क्या ओ ये दरवाजा तो खुला है मुन्ना, और ये क्या मुन्ना यहाँ पे छोटा सा पुतला है मुन्ना। आओ अरे बिल्ले मुझे तो लगता है ये सैंडिना बेबी का टेडी बियर होगा। अरे ये क्या बल्ला, ये पुतला तो अपने आप से यहाँ से नीचे कैसे गिर गया बल्ला? देखा तुमने देखा, मेरी बात नहीं मानी थी ना, यहाँ पे कोई तो है बल्ला जो हमारी बैंड बजाना चाहता है क्या? क्या ए बॉब, वो तो ग्रैनी के सामने आने के बाद ही पता चलेगा यार कि आखिरकार में किसकी बैंड बजने वाली है यार, ग्रैनी की या फिर भैया जैक की यार। और मुन्ना तुझे तो पता है ना मेरे पास था ये लोग आते हैं, और मगर ये मुन्ना लाइट अपने आप ऑफ कैसे हो रही है? और मुन्ना कोई तो है यहाँ पे, और कौन है जल्दी से सामने आ जाओ, और मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरा नाम फौजी है। अरे बिल्ले ये क्या, लाइट तो ऑफ हो गई, अरे ये क्या वापस से लाइट आ गई बुआ, इस कमरे में कोई तो काला जादू है, अरे जल्दी से बाहर निकलो वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मेरा नाम है बलवान बॉब का बच्चा। भैया सच में यार मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार, कोई तो एक कमरे में यार जल्दी से बाहर निकलो ना, अब इधर डॉन तुम्हारी बैंड बजा देंगे यार। और मैंने ये खून कैसे आ गया? और मैंने इसके अंदर से तो बड़े बड़े हाथ निकले, स्केलेटन के हाथ मुन्ना। अरे बिल्ली के बच्चे, मम्मा मैंने बोला था ना यहाँ पे तो लंबे लंबे स्केलेटन के हाथ निकले, अरे भागो बिल्ले भागो वरना होता है कि तेरी टक्कर टिकट के। मुन्ना पीछे तो देखो स्केलेटन का बच्चा आ रहा है, और मुन्ना आपने तो बिल्कुल सही बोला था, और भागो दोस्तों भागो अपनी जान बचाओ। हे भैया जल्दी से फ्लैश लाइट को ऑन करो और भागो ना भैया पतली गली से यार। मम्मा मम्मा मम्मी, मैंने तो पहले से बोला था बल्लों के बच्चों, मैंने तुम्हें पहले से बोला था कि यहाँ से जल्दी जल्दी से भागो। अरे ये क्या मम्मी, अभी भी वो स्केलेटन का बच्चा हमारा पीछा करे जा रहा है क्या? टेंशन मत लो, वो हमें नहीं पकड़ पाएगा, और वो तो बहुत ही स्लो आ रहा है, और इससे भी हम ज्यादा तेज है मुन्ना। हाँ भैया मगर वो हमको पकड़ लेगा ना तो हमारी खोपड़ी तोड़ डालेंगे यार। और मुन्ना तेरी खोपड़ी तोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। अरे बिल्ले के बच्चे तुम भी भूल रहे हो, वो भूत का बच्चा स्केलेटन का बच्चा, वो हमें पकड़ लेगा ना तो वो हमारे साथ में कुछ भी कर सकता है क्यों? क्या बाप के बच्चे, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, और ये सारे दरवाजे तो अपने आप ही ऑफ हो रही है, और कोई बात नहीं। और ये क्या मम्मी, इतना बड़ा स्केलेटन और दीवार के अंदर से क्यों निकला है मुन्ना? और मुझे लगता है हमारी बैंड बजाने के लिए, और जल्दी से भाग मुन्ना। और ये क्या मुन्ना, बाल बाल बच गए। हाँ भैया ये कितने सारे स्केलेटन है यार, देखो ना जल्दी से भागो ना वरना भैया ये हमारी चटनी बनाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ेंगे यार। और मुन्ना अभी टेंशन मत लो, हम लोग एकदम सेफ वाले रूम में आ चुके हैं, और चलो दोस्तों ये वाला दरवाजा खोलता हूँ। और ये क्या मम्मी, इसके अंदर से तो ग्रानी निकली, और ये ग्रानी बुढ़िया कहाँ से आ गई? और छोड़ दे ग्रानी, और छोड़ दे ना भैया, अब की हो गई ना ठक्की टिक्की यार। और ये क्या मुन्ना, ये तो कोई सपना था। और मुन्ना चलो बाल बाल शुक्र है मुन्ना, हमारी जान बच गई, और ये तो सपना था मुन्ना। हे भैया ये सपना नहीं था यार, कोई तो गड़बड़े घर में भैया, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यार। ओ अरे शुक्र है बिल्ले शुक्र है, ये तो कोई बुरा सपना था, ये मान के उसको भूल जाता बल्ला, अब तो हमारे को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, इस घर के अंदर कोई भूत नहीं, कोई भी ग्रहणी ग्रंथ नहीं, और कोई भी स्लेंडिना बेबी और स्केलेटन भी नहीं है क्या? बिल्कुल सही बोला बाब, अब टेंशन लेंगे तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अब जल्दी से हम नीचे जाएंगे। और मुन्ना ये दरवाजा तो वही है, और ये सारी जगह तो वही सेम टू सेम है मुन्ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे देखना होगा, और यहाँ पे ग्रानी बुढ़िया तो नहीं है ना।
ए भैया मुझे तो शक हो रहा है यार, कहीं वो हमारा सपना सच में सच ना हो जाए यार। और कैसी बातें कर रहा है, और इसके अंदर देखता हूँ। ये क्या मुन्ना, ये टेडी तो इधर ही पड़ा है मुन्ना। मम्मी, अरे बिल्ली के बच्चे, मेरा शक सही निकला, यानी कि इस घर में कुछ ना कुछ डाल में काला लगता है बुआ। अरे यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए, वरना ये घरानी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या हो गया, ये यहाँ से तो मैं नीचे गिर गया। हम कहाँ पे आ गए यार? अरे ये क्या भैया, ये तो हमारे लिए कुछ जाल बिछा रखा था यार, मगर ये क्या हुआ भैया, ये चारों साइड में ये बड़ा बड़ा क्या लगा रखा है यार? और मैंने यहाँ पे किसी ने दरवाजा बंद कर रखा है, और ये देखो मैंने यहाँ पे किसी ने तार पेंचिल लगा रखी है। ओ अरे बिल्ले, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, यानी कि मुझे लगता है कोई ना कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है और हमारे सामने नहीं आ रहा है बल्ला। मुझे तो लगता है डाल में काला है वो। देखो बल्ला, यहाँ से तुम नीचे गिर गए थे ना, इसके क्या? और मैंने ये दरवाजा यहाँ पे कैसे आ गया, और ये रूम में तो कुछ भी नहीं था, फिर ये चेयर और सब यहाँ से कैसे आ गया मन्ना? ए भैया मुझे भी नहीं पता यार, ये सारे टेबल और चेयर कहाँ से आ गए यार? अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था भैया, इसका मतलब कुछ ना कुछ भैया है यहाँ पे यार, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यार। ओ यार मुन्ना, कुछ ना कुछ तो जरूर है, और वो हमें पता लगाना होगा क्या है मुन्ना। ओ अरे रुको बिल्ले रुको, अभी भी मेरी बात मानो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये भूत है और तुम आदमी हो बल्ला, उसका सामना तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। क्यों क्या? और बाप के बच्चे अभी से हार मानने लगे, और हार मानना ये हमारे खून में नहीं है, और हम कुछ भी हो जाए और इस ग्रानी का पता लगा के रहेंगे, और इसके घर से इसके अभी कर दिखाएंगे मुन्ना। अरे वो सामने देखो, मुझे लगता ग्रानी बुढ़िया तुम्हारे पीछे पड़ गई। अरे भागो बिल्ले भागो, अरे ये देखो बल्ला, इसके पास तो बड़ी बड़ी शाखा भी है। क्यों क्या? और मैंने ये तो जंजीरें यहाँ पे आ गई, और मैंने ये सारी जगह इतनी लंबी कैसे हो गई? ए भैया ये सब ग्रानी का किया धरा यार, भागो भैया भागो, हम उसकी जाल में फंस चुके हैं यार। और मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, और यार ग्रानी को छोड़ने वाले नहीं है, और वो हमारा पीछे करे ना करे, और हम यहाँ से निकल के रहेंगे मुन्ना। हाँ भैया कोशिश तो यही रहेगी, और पीछे मुड़ के मत देखना भैया, मुन्ना ग्रानी आपकी चटनी बना देगी। और अरे बिल्ले पीछे तो कोई भी नहीं दिखेगा। अरे ये क्या, दरवाजा बंद करो, पलंग को यहाँ पे बाजू में रख दो दरवाजे के सामने, ताकि ग्रानी हमें देख ना पाए और हम पलंग के नीचे छुप जाते हैं। क्यों क्या? ओ बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे नहीं देख पाएगी। ओ ये क्या, मैंने तो गायब हो गई तेरी आ गई। ए भैया आवाज बिल्कुल भी मत करना यार, ग्रानी ने मैंने देखा यार, चुप कर जाओ भैया चुप कर जाओ यार। ओए बंटा, इस ग्रानी के बच्चे ने तो अपने जादुई शक्तियों की मदद से और ये सारे पलंग और चेयर को ऊपर कर दिया। और छोड़ दे ग्रानी, और मेरे तरह कुछ भी नहीं बिगड़ा। और बंटा अरे बिल्ले के बच्चे, ये तुम कौन से रूम में आ गए, जल्दी से दरवाजा खोल के देखो बल्ला, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, उसने तो हमें मार दिया था ना, फिर ये हम कौन सी वाले जगह में आ गए? और बाप का बच्चे बाहर निकल के देखना होगा, और हमारी गेम क्लियर तो नहीं हो गई ना। ओ अरे बिल्ले ये कैसे हो सकता, जल्दी से यहाँ से घूम फिर के बाहर निकलते, कोई ना कोई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो जरूर होगा बल्ला। अरे जल्दी जल्दी से चलो, क्या मुन्ना वो सामने देखो, यहाँ से तो बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। ए भैया मगर ये सब कैसे हो सकता है यार, ग्रानी ने तो हमें पकड़ लिया था ना यार। भैया रुको रुको, बाहर जाने से खतरा है भैया, कोई ना कोई डाल में काला लगता है यार। और मुन्ना कुछ भी नहीं है, तू टेंशन खामा का ले रहा है, और यहाँ पे बर्फ की बारिश हो रही है मुन्ना, यानी कि यहाँ से हम निकल चुके और हमेशा हमेशा के लिए। ए भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यार, और मुन्ना सपने के अंदर से बाहर निकल, और हमें कुछ भी नहीं। ये क्या मुन्ना भैया, आपको पकड़ लिया ना यार, और आपकी बैट भी बच गई यार। अरे बिल्ले के बच्चे, हमारी इस बार में भी हो गई टक्की टिक्की। ए भैया मैंने तो आपको पहले से ही बताया था यार, देखो ना मुझे लगता है इसका आगे भी पार्ट आने वाला होगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, तो भैया इस गेम को हम कंप्लीट करके रहेंगे यार। यार मुन्ना मैंने तेरी बात नहीं मानी, और नतीजा बुरा हो गया। और चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। और तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। और चलो दोस्तों, आज का साउट आउट फौजी की तरफ से हमेशा एक ही साउट आउट, और एक ही फंडा हमेशा तोड़ने पड़ने वाला, एकदम 2.5 किलो का साउट आउट। अरे मेरे छोटे से, मेरे नन्हे से और मेरे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों को टकी टिकी और बलवन बप की तरफ से बड़ा वाला साउट आउट। तो चलो दोस्तों, डॉन की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और वेलकम है साउट आउट यार।
तो चलो दोस्तों अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी। मिलते हैं आप सभी को ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखना। क्या